हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आप जो केक की रेसिपी देखने जा रहे हैं वो यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं है। और ऐसा आज मैं आपको आटा और सूजी का केक बनाना बताऊंगी जो खाने में तो डिलीशियस है ही, और इसको हर कोई अपने घर में आसानी से बना सकता है। और ये केक 110% सभी के घर में ज़रूर बनेगा, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो इसके लिए हमें चाहिए, यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है जिसमें मैंने 2 चम्मच दही डाली है। ये मेरे पास नॉर्मल चम्मच से थोड़ी बड़ी चम्मच है। अगर आप नॉर्मल चम्मच से डालते हैं तो एक एक चम्मच बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 चम्मच गेहूं का आटा ले रही हूँ और गेहूं के आटे से हम इसको बनाएंगे। और अब लूँगी मैं 2 चम्मच सूजी, ये बारीक सूजी है। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो वो भी डाल सकते हैं, पर बारीक सूजी बढ़िया रहेगी। और 1.5 चम्मच आपको लेनी है मलाई। अब आपको लेनी है कॉफ़ी, 1 चम्मच कॉफ़ी। यहाँ पर मेरे पास 1-1 रुपए वाले ब्रू के पाउचेस थे कॉफ़ी के, तो मैंने 2 यूज़ करे हैं। आप 1 चम्मच कॉफ़ी नेस्कैफे वाले भी ले सकते हैं। अब इसमें आपको डालनी है 5 चम्मच, नॉर्मल चम्मच ली है मैंने, 5 चम्मच आपको चीनी डालनी है। अगर आप थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 6 चम्मच डाल सकते हैं, लेकिन मेरा केक जो है 5 चम्मच से बहुत स्वादिष्ट बना था। और अब अच्छे से मिक्स करना है। आप थोड़ा सा दूध ले सकते हैं या वार्म वाटर ले सकते हैं, उससे आपको एक फाइन बैटर तैयार करना है। पानी को एक साथ ना डालें, धीरे धीरे करके डालें। और ये जो केक बनने जा रहा है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, सबसे बड़ी बात है, और इतना डिलीशियस होता है कि मेरे घर में केक बनने के तुरंत बाद बच्चों ने तुरंत उसको खा लिया। और देखिए अब क्या करना है, आपको चीनी घुलने तक फेंटना है इसको, और 15 मिनट के लिए इस बैटर को रेस्ट करवाने के लिए रखना है। देखिए 15 मिनट होने के बाद ये बैटर क्या हो गया, इसके अंदर जो सूजी है वो फूल गई है, चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो गई है, ठीक है ना। अब आपको डालने हैं इसके अंदर बादाम, मैंने अच्छे से काट के, आप काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट कुछ भी डाल सकते हैं। अब लेना है बेकिंग सोडा, 4 चुटकी मैंने बेकिंग सोडा लिया है, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है। और इस जो केक को है हम कुकर में बनाएंगे। देखिए यहां पर आपको लेना है 2 से 3 चम्मच, आप चॉकलेट पाउडर ले सकते हैं, कोको पाउडर ले सकते हैं, या चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। डेयरी मिल्क की 10 रुपये वाली चॉकलेट आप डाल सकते हैं इसके अंदर, जिससे कि आटे का फ्लेवर नहीं आएगा, आपको चॉकलेट का फ्लेवर आएगा, खुशबू भी चॉकलेट की आएगी। इसलिए हमने यहाँ पर कॉफ़ी और चॉकलेट का पाउडर डाला है। तो बस अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पर बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मैं थोड़ा सा शहद भी 1 चम्मच के अप्रॉक्स में डाल रही हूँ इसके अंदर। अच्छे से इसको मिक्स करना है, लम्ब्स नहीं रहनी चाहिए। और बस इसको क्या करना है, देखिए जैसे ही आप मिक्स करते हैं, आप ग्रीस करके पहले ही तैयार करके रखिए एक बर्तन को। यहाँ पे मैं स्टील का बर्तन ले रही हूँ क्योंकि हम लोग कुकर में ही बना रहे हैं इसको। अगर आप अवन में, माइक्रोवेव में, माइक्रो अवन में बनाते हैं तो आप इसको जो है एल्युमिनियम वाला बर्तन या माइक्रोवेव सेफ वाला बर्तन ले सकते हैं। तो बस इसको कुकर में बना रही हूँ तो नॉर्मल बर्तन घर का स्टील वाला भी चल जाएगा। अच्छे से इसको फ्लैट करके रख देना है। और यहाँ पर कुकर में मैंने नमक डाल दिया है 1 कटोरी, और गर्म करने के लिए रख दिया था। 10-15 मिनट गर्म हो गया, 10-15 मिनट के अंदर ही अच्छे से हीट अप हो गया था। और अब आपको इसको केक को इसके अंदर रख देना है नमक के ऊपर, और आप बिलीव नहीं करेंगे मेरा आधे घंटे के अंदर केक तैयार हो गया। यहाँ मैंने कुकर का जो ढक्कन लगाया है इस पर सीटी नहीं लगाई है, मैं आपको दिखाती हूँ केक किस तरीके से आधे घंटे बाद ये बनता है। ये देखिए इतनी अच्छी खुशबू मेरे घर में फैल गई थी, मैं आपको बता नहीं सकती। देखिए थोड़ा सा ठंडा होने के लिए इसको रख देते हैं, जब ये ठंडा हो जाता है तो जो फूला हुआ पार्ट होता है थोड़ा सा नीचे चला जाता है, देखिए, और जो स्पून भी है क्लियर आती है। इसको अभी ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, और जैसे ही ठंडा हो जाता है आप इसको आराम से निकल जाता है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस केक को निकालने के लिए भी। और देखिए, और जो साइड में आपको राउंड कट लग रहा है, ये मेरे बच्चों ने जैसे ही ठंडा करने के लिए इसको मैंने रखा, थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने खा लिया, इतना डिलीशियस बना था। ये देखिए एक पीस तो मेरे बच्चे खा चुके हैं और दूसरा पीस मैं आप लोगों के लिए निकाल रही हूँ। ये देखिए अगर घर में अभी किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है ना, और बच्चों को अगर केक खाना पसंद है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और बच्चों के लिए, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये केक आप घर में बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं, यम्मी टेस्ट होता है। बिलीव मी, घर का हर सदस्य इस केक को पसंद करेगा और बच्चे तो इस केक को छोड़ेंगे ही नहीं। इसके ऊपर चाहे आप चॉकलेट सॉस बनाकर डाल सकते हैं या ऐसे ही बच्चों को खिला सकते हैं, यह सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये आटे सूजी के केक की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं नई नई वीडियो आपके लिए ला सकूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।